टॉपिक लिखी है। लोगों की जिंदगी पर बहुत फिल्में बनी है, मैं भी किसी की बायोपिक लिखूंगा और उस पर फिल्म बनाऊंगा, पर कैसे कैसे और किसके ऊपर लिखूं? ओए मुटु मेरे भाई, मेरी यार, मैं इतना महान साइंटिस्ट हूँ, मेरी बायोपिक लिखो यारी। अरे भाया, मेरे समोसे दुनिया भर में फेमस है, मेरी आत्मकथा लिखो। हाँ अरे भाई मुटो, मेरी बहादुरी पर लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और किसी के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनेगी, बायोपिक तो सिर्फ मेरे ऊपर बनेगी। लेकिन बॉक्सर भैया, आपके ऊपर क्यों? ओए, मैं एक महान बॉक्सर हूँ, और कितनी मुसीबतों को झेल के बॉक्सिंग चैंपियन बना, फुरफुरी नगर का नाम रोशन किया मैंने, मेरे ऊपर बायोपिक होनी ही चाहिए, बननी चाहिए। पर आपके लाइफ में कोई टर्न या ट्विस्ट नहीं है, थोड़ा सा मसाला भी तो होना चाहिए। हाँ डालो मसाला, डालो जी भर के डालो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे ऊपर बायोपिक नहीं बनी ना, तो फिर ये लो। बॉक्सर की बायोपिक मैं कभी नहीं लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी भाई, मेरी यार, मेरे ख्याल से बॉक्सर भैया के ऊपर ही फिल्म बनाना ठीक रहेगा यारी। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल के तजुर्बा में बॉक्सर से महान कोई नहीं देखा। भैया माया, बॉक्सर बहुत महान है, महान से भी महा महान है। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, जैसे कि बॉक्सर भैया हमारे पीछे है। मोटी मेरी भाई, मेरी यार, बॉक्सर जैसे महान इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है यारी। उस पे लिखो यारी। अच्छा, तो फिर मैं महान आदमी नहीं हूँ, हो कि नहीं हूँ, अभी हो जाएगा फैसला। ओए ये लो, किंगडम सर में जा रहा हूँ, इसे ठीक से समझा देना, अगर नहीं समझे ना तो फिर लिखूंगा। बॉक्सर भैया, जरूर लिखूंगा। अरे मोटू, सब्र करो, आराम से बैठकर समोसे खाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे भाई, तुमने उसे पकड़ा क्यों है? अरे पकड़ता कैसे भाई, भाग गया और फिर दो भेड़िए आ गए, कैसे पकड़ता? अरे भाया, किसे पकड़ने की बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में एक बच्चा है जिसे भेड़ियों ने पाला है, वो भेड़ियों के साथ खेल रहा था, हमें देख के वो भेड़ियों के साथ भाग गया। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ मोटू, मैंने भी पढ़ा है कि भेड़िये ने एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। हम उस बच्चे को बच्चा ना होगा, जंगल में जानवर के साथ इंसान का बच्चा कैसे रह सकता है? मोटू बतलू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ चिंगम सर, हम तैयार हैं, चलिए। बॉस बॉस, अपना प्लान सक्सेसफुल। गुड, फंस गए जा है? हाँ बॉस, पूरी तरह। बॉस अब आप फटाफट जंगल बॉय बन जाओ। बॉस आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो, जरा झूल के चल के भी तो दिखाओ। अरे इतने दिनों से ऐसी ही प्रैक्टिस कर रहा हो, ये देखो। अरे बॉस, कहाँ जा रहे हो? अभी तो
खेल शुरू हुआ है और मेरे मम्मी पापा को तो अभी तैयार करो, जल्दी तैयार करो। वारे वाह, ये हुई ना बात। अब अपनी फैमिली पूरी हुई, एक सेल्फी हो जाए। ये लो बॉस। जीज। वो देखो सही में वुल्फ बॉय। अरे वुल्फ के साथ मुर्गी का शिकार कर। इस शेर को मेरे सामने से हटाओ, लेकर जाओ, दूर लेकर जाओ, इस पालतू शेर को हटाओ। जॉन डरो मत, ये पालतू शेर नहीं नकली शेर है। इसके अंदर बैठ के जाओ और जो करना है वो करो। बाहर से असली दिखता है, ये शेर की तरह ही चलेगा। वाह 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 भाई सर, थैंक यू। लौटने लग गई रे। वाह भाई सर, आपने क्या चीज बनाई है। तो लाओ मेरे 5 करोड़ रुपए। पहले चोरी तो करने दो, नहीं तो इसके अंदर बैठ के इसे आप पर ही दौड़ा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ मैं, लेकिन भूलना मत। अरे चाय वाले भैया, गर्मा गर्म समोसे तो खिला दो। चिंगम इज हियर। मोटू क्या हुआ? शहर के अंदर ये शेर कहाँ से आया? शेर! भैया वहाँ शेर है, भागो! इस पेड़ का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शेर से बचा लिया, नहीं तो हमारा क्या होता मामूनी। शेर पर शेर की दहाड़ने की आवाज इतनी पास कैसे आ रही है? देखो इस न्यूज़पेपर में ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में लिखा है। मैं तो अभी फोन लगा रहा हूँ, कहीं नौकरी हाथ से निकल ना जाए। हेलो, यस, ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफिस। हेलो सर, मैं मोटू बोल रहा हूँ। होल्ड ऑन प्लीज। मछली जाल में फंस गए। मैंने पेपर में जो एड दिया था उसका निशाना सीधा मेरे शिकार पर लगा, डायरेक्ट हिट। अब मैं लूंगा मजा और मोटू पाएगा सजा। हेलो, यस, बोलिए। हेलो सर, मैं ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहता हूँ, आप जॉब के बारे में कुछ डिटेल्स दे दे तो अच्छा होता। जॉब इज वेरी गुड, सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ। क्या? 1 लाख रुपए महीना सैलरी? हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो सैलरी की बात सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। अरे मोटू, क्वालिफिकेशन तो पूछो। सर जॉब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन में सबसे पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, उसके अलावा ईमानदार, बहादुर होना चाहिए। सर आप
आपकी खोज खत्म हुई, क्योंकि ईमानदारी बहादुरी तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है और अच्छाई अच्छाई तो हमारी रगो रगो में तैरती है दौड़ती है। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आप इंटरव्यू के लिए क्लॉक स्क्वायर पर आ जाइए। ओके सर, मैं पहुँच जाऊँगा। अरे मोटू, ये कैसा इंटरव्यू है? सड़क के बीचों बीच भी कोई इंटरव्यू लेता है क्या? हमारे अलावा यहाँ तो और कोई दिख भी नहीं रहा है। अच्छा है ना पतलू, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। अच्छा है हम लोग नौकरी नहीं करते, अपना तो चोरी का धंधा है। बढ़िया है, नो टेंशन, होल लाइफ पेंशन। मोटू, सुबह से दोपहर होने को आई और अब तक किसी का अता पता तक नहीं है। मैं तो अभी भी कहता हूँ मोटू कि किसी ने फर्जी ऐड दिया होगा, उसका मकसद कुछ और होगा। अरे पतलू, अपने जासूसी दिमाग को कभी कभी रेस्ट भी दिया करो। मैं फोन लगाता हूँ। पतलू, लाइन व्यस्त बता रहा है। अरे मोटो, लाइन व्यस्त नहीं, तुम्हारा इंटरव्यूअर ही भ्रष्ट। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।